समय भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों के खिलाफ प्रशासन का आज बुलडोजर चला है। विनीत की आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों के अवैध तरीके से निर्माण घर को आज तोड़ दिया गया। इससे पहले कल स्पेशल डीजीपी जेपी सिंह ने विनीत बगड़िया के घर जाकर उनके पिता और परिजनों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि असम में बाहुबली कल्चर नहीं पनपने दिया जाएगा और इसके तुरंत बाद ही आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई देखी गई। कल उन्होंने विनीत बगड़िया के घर जाकर स्थानीय पुलिस की गलती के लिए माफ़ी भी मांगी थी। उधर स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने कहा था न केवल डिब्रूगढ़ बल्कि सभी पुलिस स्टेशनों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। कल डिब्रूगढ़ सदर थाने के ओसी का भी तबादला किया गया था। जिकोनो टाउन जिकोनो सिटीत आमी अहमत अंततः बाहुबली कल्चर तो कोनो पदे आहिबो दिबो नोवारु तो आमी जथेष्ट इंस्ट्रक्शन इश्यू करिछु अकल डिब्रुगढ़ आरक्षीक नहय प्रत्येक जिला और प्रत्येक टाउनर आरक्षीक आमी इंस्ट्रक्शन दिछु जे जिकोनो टाउन जिकोनो सिटी जदि कोनबा तेनेको मसलमैन आसे बाहुबली आसे जेतु आइन निजर हातत तुलिबो खुजे তেতিয়া তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু আইনৰ মতে যিটো চৰম ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যায় এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা ল'ব লাগে। আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যিমানখিনি পৰা যায় অকল ডিব্ৰুগড় নহয় প্ৰত্যেক টাউন প্ৰত্যেক চিটিত আমি এই বাহুবলী কালচাৰটো কমপ্লিটলি নিষেধ কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা যিখিনি মাছলমেন নে বাহুবলী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত ষ্ট্ৰংগেষ্ট পচিবল একশ্যনটো ল'ব লাগে।